हेलो गाइस, तो आज डे है 62। मैं शॉप में आया हूँ, मेरी आंखें देखो, मेरा मुंह देखो, सूजा सूजा लग रहा है। क्यों, क्या मालूम, आज नींद ही पूरी नहीं हुई मेरी, जल्दी सो गए थे। इनफैक्ट मैंने कल लाइव स्ट्रीमिंग 12 बजे बंद कर दिया, उसके बाद तुरंत सोने के लिए आया था। मतलब ऑलमोस्ट 12:30 या 12:40 तक मैं सो गया था। नींद ज़्यादा हो गई या कम हुई वही समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मेरी आँखें मुँह पूरा सूज गया है। कोई नहीं, आया हूँ शॉप पर, जल्दी जल्दी करके पहुँचा हूँ 10:10 तक। अभी 10:10 ही हुआ है, झाड़ू पोछा करता हूँ क्योंकि आज ज़्यादा क्लाइंट तो रहेंगे नहीं वैसे भी। सो देखते हैं, आज मंगलवार है तो झाड़ू पोछा कर लेते हैं पहले, तो सब कुछ और आवरी करते, काजी भी पोछना है, चेयर पोछेंगे आज, सब साफ सफाई कर देंगे आज 3 बजे तक। दीदी आने के बाद थोड़ा सा उसको भी लगा देंगे काम के लिए, तू ये कर ले, तू वो कर ले। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट काम के लिए लग जाते, नहीं तो क्लाइंट आ जाएंगे। सो गाइज, अभी सीन कुछ ऐसा है, झाड़ू पोछा हो गया, दिया बत्ती भी कर लिया भगवान का, झाड़ू पोछा नहीं किया मैंने, झाड़ू कर लिया, दिया बत्ती किया, अभी पोछे का काम मैं दीदी को देता हूँ 3 बजे के बाद आने के बाद। सो अभी चाय के लिए दूध तो ला के रखा है, लेकिन मैं आज चाय नहीं बनाऊंगा क्योंकि घर से ही चाय पी के। अरे क्या हाल हो गया मेरे बालों का, गधा दिख रहा हो गधा, देखो लग रहा है बाल कट कर देने चाहिए थोड़ा सा, फॉर्मल हेयर कट ही करा लेता हूँ, अभी फेड वेड नहीं चाहिए। हेयर ग्रो करो क्या करूँगा गाइस, आप ही बताओ मुझे कमेंट्स में, ग्रो करूँ तो हेयर्स को, मतलब पूरे ग्रो करूँ या फिर फॉर्मल रखूँ या फिर फेड हेयर कट में रखूँ, कैसा रखूँ आप बताओ। सो अभी दीदी आने के बाद उसको झाड़ू पोछे के लिए काम दे देंगे, उसके बाद देखते हैं कि और क्या क्या साफ सफाई करना है, क्योंकि मैंने ये रैक तो वैसे भी साफ करके रखा अपना कलर बार, मिरर को पोछना है, मिरर बहुत गंदे हो चुके हैं, लेकिन मेरे पास अभी न्यूज़पेपर है नहीं तो मैं पोछू किससे वो समझ में नहीं आ रहा है। देखते आगे दोपहर में टिश्यू पेपर से पोछना पड़ेगा। सो दीदी आने के बाद उसको काम लगाता हूँ और मैं चेयर पोछ लूँगा तब तक, फिर 3 बजे अभी दीदी आने का वेट करते हैं, देखेंगे दीदी आने के बाद। सो अभी पापा का मिस कॉल देखा मैंने, तो मैंने बोला पापा ने क्यों फ़ोन किया था, इसलिए फ़ोन किया था, उन्होंने बोला कुछ नहीं, सुबह सुबह होता क्या है, शाम को हम लोग मतलब रात को सो जाते हैं अपन, तो गर्मी की वजह से एक तो नींद नहीं आती जल्दी, और सुबह फैन चालू होता है तो एकदम ठंडी ठंडी हवा लगती है तो नींद अच्छे से लग जाती है, तो तू उठाई कि नहीं शॉप पे जाने के लिए, लेट हो जाएगा, इसलिए कॉल किया था उन्होंने। और मैं घाई गड़बड़ में निकला तो मैंने गोली आई घर पे, मैं भूल गया, मतलब मेडिसिन चालू है मेरे, तो वो घर पे ही भूल गया, तो मैंने बोला कि अभी क्या करूँ, तो बोला दीदी आने वाले वैसे भी 3 बजे हैं, तो उसको बोला आने के लिए लेके आ, तो वो भी खुद बीमार पड़ी, अभी फ़ोन लगाने के बाद मालूम पड़ा कि उसकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको भी बॉडी पेन हो रहा है और सर्दी खांसी जैसा लग रहा है, आवाज़ भी बहुत बैठा बैठा लग रहा है, तो आज काम पे भी नहीं गए, उसने छुट्टी किया काम पे। कोई नहीं, तबीयत पहले इम्पोर्टेंट है। सो अभी दीदी बोली है, देखते उसको ना क्या लेटर कोई तो लाने जाना है, तो देखते अभी वो आने के बाद बोली आते आते मैं लेके आती हूँ, लेकिन उसको थोड़ा लेट हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट 2:30 या 3 तो बजेगा, 3 से तो पहले नहीं आएगी वो, 3 तो ऑलमोस्ट बजेगा ही बजेगा उसको, अभी आने के लिए जा रही है, तो देखते अभी वो आने के बाद देखेंगे, उसका भी तबीयत बहुत ज़्यादा ही खराब लग रहा है, रेस्ट तो नहीं लेने से बोल सकता उसको, जान दो यहाँ पे आने के बाद उसको बोल दूंगा गोली खा के थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट कर ले, क्योंकि क्लाइंट है तो मेरे को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि कोई ब्यूटिशियन है नहीं, और ब्यूटी सब दीदी हैंडल करती है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा फिर बड़ी चढ़ के, देखते हैं अभी कैसे हैंडल करेंगे। उसको आने के बाद बोलता हूँ थोड़ा आराम कर ले तो अच्छा लगेगा, उसको बोला डोलो खा ले, बोला कल रात को ही मैंने खाया, अभी देखते हैं। तो गाइस अभी शाम के बज चुके हैं 8, निकलने का टाइम हुआ है, दोपहर में आई दीदी, लेकिन दीदी को आते ही तुरंत क्लाइंट था, मतलब वो अपॉइंटमेंट लेके आए थे, उनका हेयर कट था, उनके हस्बैंड का भी हेयर कट था, तो उनको उनके हस्बैंड के लिए और उनके लिए पेडीक्योर करवाना था,
और फेस क्या बोलते उसको, क्या मतलब का तला, फेस पील ऑफ करना था समथिंग कुछ, तो वो अपॉइंटमेंट था उनका ख़त्म नहीं हुआ, तो एक और एक फ्रेंड आया उसको फिर फेशियल करना था तो उसको फेशियल कराने के लिए बैठा दिया, तो उसका दोस्त बोला जो उसके साथ आया था, भैया मुझे भी हेयर कट करवा दो, मेरा भी हेयर कट करना है। तो उसका करते करते और एक क्लाइंट आया, बोला भाई फंक्शन में जाना है, मेरा हेयर वॉश हेयर सेटिंग करवा दो और बियर्ड ट्रिमिंग करवा दो। भाई मजाक नहीं करा, उस बंदे के बाल लाजवाब भाई, लाजवाब, इतने लेंथ थी उसकी, उसने उस हेयर पे वुल्फ हेयर कट करवाया था, इतना सेक्सी लग रहा था ना हेयर कट उस पर, इतने ही लॉन्ग बाल थे उसके, बहुत मस्त था। बिजस्ती गया, सांगली से आए थे वो, अच्छे थे, बात करने के लिए सही थे। सो खाना खाने के लिए तो कुछ टाइम नहीं मिला, अभी 8 बजे, तो मैंने बोला दोपहर का खाना अब भी खाऊंगा तो घर जाके खाना नहीं खा पाऊंगा, तो अभी चाय पिया जस्ट। दीदी को बोला चाय बना के दे दे, भूख तो बहुत लगी है, तो चाय से भूख मर जाती है। एंड देन तो चाय पी लिया, अभी अभी घर जाऊंगा, स्ट्रीमिंग पे बैठूंगा, फिर शाम को देखते हैं क्या खाना है क्या नहीं, वो देखते हैं शाम को। सो घर जाता हूँ, हुआ पॉसिबल तो व्लॉग रेडी करता हूँ, मतलब इसके आगे क्या बोलने वाला हूँ देखते, सब यहाँ से निकलता हूँ, देखते क्या करना है क्या नहीं। सो गाइज अभी घर पे पहुँच चुका हूँ मैं, अभी सीधे जा रहा हूँ लाइफ पर। सो मिलते लाइफ पर, आ जाओ जल्दी।